सामने देखो आज चलो आते जब लगाओ थैंक यू जी। आओ पानी पिलाए, आओ पक्षियों को पानी पिलाए, आओ पक्षियों को पानी पिलाए। मेरा दिन है डोगरा सदर सभा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज का दिन हर साल जैसे पूरी तपश होती है, पूरी गर्मी का एक प्रकोप होता है, होता उन्हें दिनें अस देखा साढ़े पक्षियों पानी नहीं है, तलाह सुक्की गए, खूह सुक्की गए, चश्मे सुक्की गए, तो तड़फते हैं पक्षी। इं एक सीन असें देखा अज को 20 साल पहले बाहर के चिड़िया तड़फिया मरी दियाँ, उन्हें पानी नहीं हाँ मिले दा है, कई सहका दी हाँ उन्हें असें पानी पिलाने की कोशिश की थी, वो बची गई हाँ। उत्थों असें प्रण किया हा कि हर साल उन्हें बजुर्गें की उन्हें अपने रवायत की याद करते हुए जेड़े असें सिखाया हा बचपन से असें याद है, वो सवेरे आखते हे प्याले रखो उसे पानी पाओ रोज, अपनी अपना नाश्ता अपनी न्हारी करने को पहले उन्हें पक्षियों वास्ते पानी पाओ दाने रखो ताकि वो पानी पी सकन, उसी चीज़ की याद करते हुए वो रवायत असें डोगरा सदर सभा शुरू की थी है। आज उ देना तो दिखा दो कि हज़ारें तादाद छिकू और प्याले असें आते दिन जो पानी पाइए सारे जो कॉलेज के स्कूल के बच्चे आए दिन, इन्हें वो बंडने सड़कें बंडने और बागे के बच्चे लाने न, जगह जगह लगाने न, अपने कॉलेज अपने स्कूलें जाइए लगाने न, अपने अपने घरें अपने अपने महलें जाइए सिखाना है कि भाई अस रोज़ ये प्याले टंगचै, रोज़ रोज पानी भरचै, रोज़ उत्थे दाने उत्थे खाने वास्ते रखचै। तो पक्षियों की क्यों बचाना, पानी क्यों बचाना, ये वास्ते फिर लंबी गल करने की जरूरत नहीं है, ये असलियत है। अगर पक्षी हैं तो साड़ा जीवन है, अगर पानी है तो साड़ा जीवन है। जियां जियां धरती दे उपर ये खत्म होता जा दा, बहुत बुरी तरह सलूक कराने पानी कन्नै, भी पूरी इनवायरमेंट कन्नै, पक्षियों कन्नै।